हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान से गुजरात जा रही अंग्रेजी शराब की खेप बरामद। निजी ट्रेवल्स की बस में सीटों के नीचे छिपा कर ले जाया जा रही थी शराब। जोधपुर से गुजरात के सूरत जा रही थी बस। रीको पुलिस को मावल चौकी पर मिली सफलता। शराब बरामद कर चालक को किया गिरफ्तार। रीको पुलिस को मावल चौकी पर बड़ी कामयाबी मिली। निजी ट्रेवल्स की बस में सीटों के नीचे बनाए गए कंपार्टमेंट में छिपा कर ले जाई जा रही थी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बरामद की गई शराब का मूल्य 5,50,000 रुपए आंका गया है। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर बस को सीज कर दिया है। लॉकडाउन के बाद सरहदें खुलने पर शराब तस्करी का काला कारोबार फिर से शुरू हो गया, लेकिन शराब तस्करों का सारा नेटवर्क व चालाकी मावल बॉर्डर से सटी चौकी पर आते ही धरे की धरी रह जाती है। इसी के चलते रीको पुलिस ने जोधपुर से सूरत जा रही निजी ट्रेवल्स की बस को रुकवाया। रीको थाना अधिकारी राम सिंह सोना के नेतृत्व में बस की तलाशी की गई। बस में सवार 21 सवारियों को नीचे उतारा गया। सालेसर दरबार की स्लीपर कोच की बस की सीटों को जैसे ही खोला गया, पुलिस दल अवाक रह गया। सीटों के नीचे बनाए गए कंपार्टमेंट में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के टीन पाए गए। पुलिस ने किंगफिशर, हार्वर्ड 5000 समेत विभिन्न अंग्रेजी शराब के ब्रांड के 1800 टीन व 500 पाउच बरामद किए। बरामद की गई शराब का मूल्य 5,50,000 रुपए व बस का मूल्य 20,00,000 रुपए आंका गया है। जोधपुर निवासी बस चालक संतोष नायक को गिरफ्तार कर बस को सीज किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राम सिंह सोना थाना अधिकारी रीको अबरोन उन्होंने ये कहा। आज सुबह तड़के एक निजी बस को रुकवा कर होमगे की सूचना के अनुसार चेक किया गया था। इस बस के अंदर सीटों के नीचे जो स्लीपर बस में बेड होते हैं सोने के, उसके नीचे खांचे बनाकर पूरी बस में भारी मात्रा में अवैध शराब गुजरात परिवहन कर ले जाई जा रही थी, जिसको बरामद करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पूरी बस में बेड बनाकर उनके नीचे 1800 कैन के आसपास बियर की कैन और 14 पेटी विस्की ऑयल कैने उनको बरामद किया है। कार्रवाई करी लाख की होगी सर? सर करीबन अंदाजा मार्केट कॉस्ट इसकी 5.5-6 लाख रुपए के आसपास। सर कोई गिरफ्तार भी है? एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य राजू करके वो हमारे कार्रवाई से पहले वहाँ से फरार हो गया, एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जागरूक टीवी के लिए अबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।